नमस्कार दर्शकों, सृजन के पथ नामक इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। कलाओं के वर्गीकरण पर चर्चा करते हुए आज संगीत, नृत्य व नाटक कला पर चर्चा व विवेचना प्रस्तुत की जा रही है। आरंभिक मनुष्य के पास स्वयं का शरीर ही एक साधन या टूल था, जो कलाओं को प्रकट करने का माध्यम बना। मनुष्य के शरीर के अवयव, कंठ, नेत्र व उनकी गतिमानता कलाओं को प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम था। भावाभिव्यंजना का और सौंदर्य व लय को प्राप्त करने का एक सक्षम माध्यम था। सबसे पहले संगीत की चर्चा करते हुए संगीत के पक्षों को उजागर करना आवश्यक होगा। संगीत ध्वनि का वह विकार है जिससे लय, सौंदर्य व उसके कंपन के द्वारा एक ऐसा ध्वनि का गुण प्रस्तुत होता है जो समस्त हृदयों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। संगीत मानव हृदयों को ही नहीं बल्कि पशु हृदयों को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जिस तरह इस प्रस्तुत चित्र में कृष्ण मुरली की धुन बजा रहे हैं और उससे प्रभावित होकर इधर उधर सभी तरफ से गायें एकत्रित हो गई हैं। यह है संगीत का स्वर, उस घनीभूत भावों को प्रकट करता है और एक ऐसे संसार में, एक ऐसे आलोक में मनुष्य के हृदयों और सभी के हृदयों को ले जाता है जहाँ पर आनंद की प्राप्ति होती है। संगीत मुख्यतः ध्वनि से जुड़ा है और कंठ व ध्वनि कंपनों से उत्पन्न हो रही है। इन्हीं कंपनों के आधार पर नाद या स्वरों को दो तरह से प्रकट हुआ मानते हैं, एक अनाहत नाद और दूसरा आहत नाद। अनाहत नाद जो बिना किसी घर्षण या कंपन से उत्पन्न हुआ मानते हैं, जिसको सिर्फ योगी ही सुन सकते हैं। आहत नाद जो है वह कंपनों और घर्षण के द्वारा प्रकट हुआ मानते हैं। स्वर अपने आप में भावों को प्रकट करने का सशक्त माध्यम रहा है। रविन्द्रनाथ ठाकुर संगीत कला को सर्वाधिक सूक्ष्म कला मानते हैं, क्योंकि वह हृदय से उत्पन्न हुई ध्वनि के प्रकटीकरण का सुंदर माध्यम है। संगीत के प्रमुख तत्वों में स्वर माने जाते हैं। स्वर ध्वनि के उच्चतम व निम्नतम स्तरों को बताते हैं। पाश्चात्य दृष्टि से ये स्वर 8 माने जाते हैं, जबकि भारतीय दृष्टिकोण से ये स्वर 7 माने जाते हैं। इसी तरह ताल उस समय को बांधता है जिसमें स्वर ऊपर नीचे होकर एक सुंदर और मधुर संगीत को जन्म दे रहे होते हैं। आरोह अवरोह स्वरों की खींचतान है, जिस तरह से खींचतान थी समय की ताल में। गूंज या इको एक संगीत का अन्य गुण है, जिसमें वह इको या वह ध्वनि कितनी देर तक वातावरण में ध्वनित रहती है उसको समझा जाता है। मृदंग या घंटा की ध्वनि जो है वह बहुत टाइम तक वातावरण में रहती है और इसी को इको या गूंज कहते हैं। एक ध्वनि के साथ प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है और फिर अनेक प्रतिध्वनियाँ उत्पन्न होने लगती हैं, जिसे रिवर्बरेशन भी कहा जाता है। यह ध्वनियाँ ही झंकृत हुए तारों से तबले की थाप पर, मृदंग पर या अन्य वाद्य यंत्रों पर प्रकट होती रही हैं। प्रकृति से कला का संबंध जोड़कर कलाओं में एक ऐसा गुण ला दिया गया जो प्रकृति के सौंदर्य तत्व को ध्वनि के रूप में व मानव भावों को सीमित करते हुए असीमित अर्थों को प्रकट करने वाला बन गया। प्रकृति के विभिन्न प्रहर, ऋतुएं, प्रकृति के विभिन्न रूप, पशु पक्षियों का कलरव आदि अनेक ऐसे उपादान थे जो संगीत को जन्म दे रहे थे। संगीत में एक अन्य पक्ष होता है जिसको रेजोनेंस या अनुनाद कहा जाता है। मुख्य तारों से उत्पन्न हुए कंपन व उसके साथ में प्रस्तुत होने वाले पुनः कंपनों को अनुनाद कहा जाता है। एक अन्य तत्व है मॉड्यूलेशन या काकू तत्व। संगीत में यह मॉड्यूलेशन, इंस्ट्रूमेंटल और वोकल
दोनों तरह के संगीत में प्रकट होता है। यह वह विकार है जो हृदय के उत्ताप भावों को प्रकट करने का सक्षम माध्यम है। ध्वनि की कोमलता, स्निग्धता, मधुरता और हृदय स्पर्शी तत्व इसी काकू के द्वारा ध्वनित होता है। इन्हीं कलाओं में संगीत कला आधारभूत लय व भावों को व्यंजित करने का सक्षम माध्यम बनी। मध्यकालीन संतों के काव्य में संगीत का तत्व कितना प्रधान था कि वह उस संगीत के साथ अपने भावों में लीन होकर भक्ति भावना को किस तरह प्रस्तुत भी कर रहे थे और महसूस कर रहे थे। ये महसूस करना ही संगीत का मुख्य आधार है, जिसमें कलाकार या संगीतज्ञ उस लय को अनुभव करते हुए अपने शरीर या अपने ध्वनि के द्वारा एक ऐसा संसार प्रस्तुत करता है जिस ध्वनि के संसार में हृदय कहीं अमूर्त व अप्रत्यक्ष रूप से वास्तविकताओं से दूर होकर उसमें लीन हो जाता है। यही सभी कलाओं का सार तत्व है और माध्यम स्वयं का शरीर है, स्वयं की ध्वनि है। इसलिए सर्वाधिक सूक्ष्म कला के रूप में संगीत को अभिव्यक्ति मिलती रही है। सभी कलाओं में संगीत और गायन सर्वश्रेष्ठ मानी जाती रही है। कलाओं में अंतर संबंधों की चर्चा करते समय संगीत को काव्य के साथ और नृत्य कला के साथ जोड़ा जाता है। नृत्य कला और काव्य कला और संगीत कला, ये तीनों ही नाट्य कला में भी अपने भावाभिव्यंजना के पक्ष को और संप्रेषण के तत्व को लेकर प्रस्तुत होती रही हैं। संगीत का तत्व मुख्यतः भावों व शब्दार्थों के साथ भी जुड़ा है। उन शब्दार्थों को काव्य प्रस्तुत करता है। इस तरह काव्य और संगीत दोनों अंतर संबंधों को बताते हैं। यह काव्य या लिखित स्वरूप संगीत कला को गणित के समकक्ष भी ले जाता है, जहाँ पर स्वरों को गणितीय नियमों के आधार पर प्रस्तुत कर कला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत चित्र में काव्य को आधार बनाकर या नोटेशंस को देखते हुए गिटार को बजाते हुए एक संगीत की सुरम्य संसार की ओर इंगित करता है, जिसमें काव्य या लिखित नोटेशन या शब्दार्थ संगीत के साथ जुड़कर किस तरह भिन्न रूप में प्रकट होते हैं। संगीत का क्षेत्र इंस्ट्रूमेंटल या वाद्य संगीत के साथ जुड़ा है, जिसमें विभिन्न वाद्य यंत्र भले ही वह लोक कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हों या शास्त्रीय कलाकारों के द्वारा परफॉर्मेंस दिया जा रहा हो, ये सभी तत्व संगीत को और अधिक अमूर्त बनाने के साथ ही लय को प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न तरीके से श्वास पर नियंत्रण के साथ ही वह स्थिति उत्पन्न की जाती है जब कहीं घर्षण और कंपन के द्वारा संगीत की लय सारे संसार में आलोड़ित होती है। विभिन्न वाद्य यंत्र इस तरह से अपने परिष्कृत रूप में आते रहे कि वह धीरे धीरे अपनी एक ऐसी सुरम्य संसार, ऐसी मधुरता के साथ प्रस्तुत हुए जो गायन पद्धतियों के साथ जुड़ते चले गए। अनेक वाद्य यंत्र लोक कलाओं से ही उपजे हैं और उन्हीं का परिष्कृत रूप शास्त्रीय कलाओं के द्वारा प्रस्तुत होता रहा है। सभी कलाओं में संगीत का तत्व इस तरह प्रस्तुत होता रहा है कि वह एक साथ अनेक मानव हृदयों को भले ही वह साक्षर हो या निरक्षर प्रभावित करने की क्षमता रखता था। धर्म के साथ संगीत को सदैव जोड़ा जाता रहा है और इसे देवजन विद्या या गंधर्व विद्या भी कहा जाने लगा, जिसमें उड़ते हुए विद्याधरों का यह अजंता से प्राप्त चित्र उस संगीत की लय को भी प्रस्तुत कर रहा है जिसको संगीत में ध्वनि के द्वारा प्रस्तुत किया जाना था, किंतु चित्र में इस संगीत के तत्व को लयात्मक व प्रवाही आकारों के द्वारा इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि यह स्वयं एक संगीत को अनुभव करने वाला चित्र बन गया है। कृष्ण मुख्यतः भारतीय परिवेश में
एक प्रमुख देवताओं के रूप में प्रस्तुत हुए जो संगीत कला के ज्ञाता थे। उन्हीं की बांसुरी की धुनें व उनकी नृत्य शैलियाँ आज भी भारतीयों के लिए एक उदाहरण का विषय रही हैं। भारतीय कला में संगीत कला को आधार बनाकर प्रस्तुत किया गया विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मार्कंडेय व वज्र का एक संवाद आता है, जिसमें वह कह रहे हैं कि संगीत कला के बिना न तो नृत्य कला, न चित्रकला, न मूर्ति कला को सीखा जा सकता है। अर्थात ये सभी कलाएं अंतर संबंधों के साथ प्रस्तुत की जा सकती हैं और सभी कलाओं का मूल उस सार तत्व को या हृदय के स्पंदनों को प्रस्तुत करना है जिसको कलाकार पहले स्वयं महसूस करता है, फिर किसी वाद्य यंत्र या अपने शरीर के द्वारा, अपने शरीर के अवयवों के द्वारा प्रस्तुत करता है। इस तरह मानव शरीर ही वह टूल है, वह साधन है जो कलाओं को प्रस्तुति देता है। प्रस्तुत चित्र में संगीत के ध्वनि के साथ गायों को बताया गया है, जिसमें वह भी उस संगीत की ध्वनि के साथ एकाकार होकर हृदय में आनंद को अनुभव करती हैं। कृष्ण चरित्र एक ऐसा चरित्र था जो कलाओं के संसार से अभिन्न रूप से जुड़ा रहा है। लोक कलाएं ऐसे अनेक चमत्कारी वाद्य यंत्रों को प्रस्तुत करती रहीं जिनकी ध्वनियां हृदय को अवश्य ही प्रभावित करती रहीं। रेतीले रेगिस्तान में अनेक स्थानों पर ऐसे वाद्य यंत्रों का सृजन हुआ जो कि आज लुप्त प्राय हैं, किंतु अपनी अभिव्यक्ति में वे हमेशा सक्षम और सशक्त रहे हैं। वाद्य यंत्रों का संसार संगीत को एक ऐसा आधार देता है जो समय आश्रित कला होने के साथ ही एक टाइम एंड स्पेस की बात जो संगीत के साथ में भी जुड़ी है उस पर अभिव्यक्ति देता है कि समय या टाइम को संगीत में किस तरह से ताल के द्वारा बांध दिया जाता है और वह ताल मृदंग या अन्य वाद्य यंत्रों से प्रस्तुत की जाती है। समय को बांधने का यह ताल का अनुभव संगीत के स्वरों को भी नियंत्रित करता है और भावों को भी नियंत्रित करता है, और अधिकांश कलाएं इसी टाइम एंड स्पेस और साउंड के साथ में जुड़ी रही हैं। इसी साउंड के साथ में एक अन्य पक्ष जुड़ा रहा है जिसमें मंत्रों का सृजन होने लगा, जिसमें हरेक साउंड एक विशिष्ट भाव को अभिव्यक्त कर रही थी, हरेक ध्वनि एक विशिष्ट भाव को प्रकट कर रही थी, जिसमें रस की जो अवधारणा है वह निश्चित रूप से प्रकट होती रही। रस की अवधारणा संगीत के साथ में जुड़ी रही है। हरेक समय में प्रस्तुत किया जाने वाला राग या रागिनी किस तरह भावों को अभिव्यंजित करता है, हरेक ऋतु या सीजन के अनुसार गाए जाने वाली राग रागिनियाँ किस तरह हृदय को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं और कितने विश्लेषण के पश्चात यह नियम या शास्त्रीय नियम स्थापित किए गए, यह एक अनुपम उदाहरण है जो संगीत कला को शास्त्रीय, लोक व साधारण रूप से सुगम संगीत के रूप में प्राप्त होता रहा है। संगीत कला के पश्चात नृत्य कला का विवरण अंतराल के पश्चात चर्चा का विषय रहेगा। अंतराल के पश्चात नृत्य कला पर चर्चा करते हुए उस नर्तक का विवरण आवश्यक है। जिस तरह संगीत में कृष्ण को साथ में जोड़ा गया था, उसी तरह नर्तक के रूप में शिव का नाम सदैव लिया जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार नृत्य कला धर्म के साथ में सदैव जुड़ी रही। भारतीय परंपरा सभी कलाओं को धर्म के साथ जोड़कर एक ऐसा अवसर प्रदान कर रही थी जो भाव संप्रेषण के कुछ विषय वस्तु भी प्रदान कर रहा था, साथ ही ऐसा संरक्षण भी प्रदान कर रहा था। भारतीय मंदिरों में वास्तुकला के साथ ही चित्रकला का भी अंकन किया जाता रहा, साथ ही वहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी एक ऐसा सेंटर था जिसमें संगीत कला, नृत्य कला और नाट्य कला तीनों कलाओं ने अपने स्वरूप को प्राप्त किया और भावाभिव्यंजना में सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होती रही। नृत्य कला मानव शरीर के अवयवों का ही इस तरह प्रस्तुतिकरण है कि लय का जो स्वरूप है वह
दर्शक को अनुभव हो पाए। वस्तुतः हम डांस या नृत्य में ही पाते हैं कि एक मानव शरीर में या उसकी रेखीय गति में कितनी संभावनाएं हैं कि वह संगीत और ताल के साथ में उन अनेक मुद्राओं, अनेक भंगिमाओं को प्रस्तुत कर रहा होता है जो सौंदर्य व लय के या एक गतिपूर्ण प्रस्तुतिकरण का एक सुंदर रूप है। नृत्य कला अपने शरीर के स्पंदनों को बताते हुए इस तरह का विलास है कि वह स्पंदन उस गति के साथ में धड़कने लगता है या उस गति को प्राप्त कर अपने शरीर में लोचपूर्ण अभिव्यक्ति देने लगता है। वस्तुतः अंगों या शरीर को गति देने के पीछे एक शब्द जिसे स्पंदन या बीट होना कह सकते हैं, वह स्पंदन ही नृत्य कला का सार तत्व है व सभी कलाओं का सार तत्व है। इस प्रवाह व लयात्मक आकारों को अपने नेत्रों, हाथ व पैरों के संचालन, शारीरिक स्थितियों, रंगमंच या जहाँ भी वह नृत्य कर रहा है उस वातावरण को मूवमेंट में लाने के लिए एक ही स्थान पर खड़ा होकर डांस नहीं करता, बल्कि वह पूरे वातावरण को इस तरह से नृत्य कला के द्वारा भावों की व सौंदर्य व लय की गति देता है कि वह वातावरण व दर्शकों के मन में कला का सौंदर्य व अनुभव प्रकट होने लगता है। पुनः भक्ति काल को पुनर्विवेचना की जाए तो संगीत के साथ नृत्य कला ने भी भक्ति संप्रदाय को एक मौलिक व सुंदर रूप दिया था जिसमें भावों की अभिव्यंजना इतनी अधिक हो जाए कि वह झूमने लगे। नृत्य की यही परंपराएं चित्रों के माध्यम से भी प्रकट होती रही हैं। पहाड़ी शैली का यह सुंदर चित्र शिव पार्वती का है जिनके आगे नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद्य यंत्रों के साथ यह सुकुमार नृत्य की अभिव्यक्ति कर रहे हैं और नर्तक अपनी अभिव्यंजना दे रहे हैं। शास्त्रीय नृत्यों की श्रेणी में कुछ ऐसे नियम बना लिए गए, अभिव्यंजना का पक्ष इतना सबल हुआ कि मानवीय आकार अपनी क्षेत्रीयता के आधार पर अलग अलग भावाभिव्यंजना देने लगे। कथकली में मुख पर रंग लगाकर या मुकुट पहनकर भावाभिव्यंजना को और सशक्त किया जाने का माध्यम चुनने की चेष्टा रहती है। यह भावाभिव्यंजना का पक्ष नाटक से जुड़ा है जिसमें अभिनेता अभिनय के द्वारा अपनी भावाभिव्यंजना का पक्ष प्रस्तुत कर रहा है। नर्तकी सिर्फ अपने शारीरिक अवयवों का ही संचालन नहीं करती बल्कि अपने मुख विकारों से, दृष्टियों से, रस संचरण दृष्टियों से इस तरह के भाव पैदा करती हैं कि वह रस या वह सौंदर्य का भाव सहृदय रसिकों के मन में भी उत्पन्न हो जाए। यह रस का भाव अनेक रस संचरण दृष्टियों, अनेक मुद्राओं, हस्त मुद्राओं का कारण बना। इसी तरह मानवीय शरीर के लिए यह कल्पना कर ली गई कि यह एक सूत्र या ब्रह्म सूत्र के रूप में एक सीधा खड़ा या त्रिभंगी मुद्रा या अतिभंगी मुद्रा के रूप में अनेक मुद्राओं की कल्पना की गई। इन्हीं के आधार पर अनेक लोक कलाओं में इस तरह से प्रस्तुति होने लगी कि वह शब्दार्थों से रहित होकर भी लय और सौंदर्य को प्रस्तुत करने की अनुपम प्रस्तुति बनते चले गए। नृत्य की शास्त्रीय शैलियाँ उन नियमों को बताती हैं जो भावाभिव्यंजना के लिए हस्त मुद्राओं, रस संचरण दृष्टियों या शारीरिक स्थितियों व ताल के रूप में प्रस्तुत होने लगी। प्रस्तुत चित्र अजंता का है जिसमें नर्तकी अपने नृत्य की प्रस्तुति दे रही है। शारीरिक भंगिमा लोचदार है। इसी के आधार पर एक और सत्य सामने आया जिसमें भारतीय कला में, चित्रकला या मूर्तिकला में सभी आकार नृत्य मुद्राओं में ही क्यों प्रस्तुत किए गए, एक चर्चा का विषय रहा जिसमें यह माना गया कि मानवीय शरीर में लयात्मक रूप से सौंदर्य को प्रकट करने का व प्रवाह को प्रस्तुत करने का चित्रकला व मूर्तिकला में इन्हीं मुद्राओं के सहारे प्रस्तुत किया जा सकता था। इन्हीं प्रस्तुतिकरणों में नृत्य की मुद्राएँ भावाभिव्यंजना में सशक्त रूप से सामने आईं क्योंकि चित्रकला व मूर्तिकला क
का पक्ष जो है वह त्रिआयामी व मूवमेंट को प्रदान करने वाला गतिपूर्ण नहीं था, इसलिए गतिपूर्ण आकृतियों के अंकन से चित्रों में व मूर्तियों में गति को या स्पंदन को प्रस्तुत किया गया। लोक कलाओं में अनेक स्थितियों से अनेक उपकरणों और अन्य सामग्री को संतुलित करते हुए शारीरिक संतुलन और उस संतुलन के साथ में गतिपूर्ण नृत्यों की परंपराएं प्रारंभ से प्राप्त होती रही हैं। यह एक चमत्कार का विषय भी रहता था, शारीरिक संतुलन का भी विषय रहता था और उसके साथ ही उस लयात्मक प्रस्तुतिकरण का भी विषय रहता था जिसमें नर्तक उस लय के साथ में स्वयं को जोड़ देता था और उसी लय के साथ जोड़ना ही कलाओं के आनंद का मर्म है। संस्कृति सदैव दो भागों में विभाजित रही है, लोक कला शैलियाँ और शास्त्रीय कला शैलियाँ। पाश्चात्य दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ भी शारीरिक संतुलन और रिदम को अनुभूत करते हुए नर्तकी व नर्तक अपनी प्रस्तुतियाँ प्रदान करते हैं जिसमें वह प्रस्तुतिकरण लयात्मक अनुभव और नृत्य की गतियों को बताते हुए शारीरिक संचालन को बताते हैं। भारतीय मूर्तिकला के साथ में नृत्य कला का संबंध अनुपम है जिसमें आकृतियों को अनेक मुद्राओं में जो कि शास्त्रीय नियमों के आधार पर बनी हुई थी अंकित किया जाता रहा। नृत्य कला या नृत्य की स्थितियाँ किस तरह आकृतियों में रिदम पैदा करती हैं, सौंदर्य पैदा करती हैं, शरीर में वह कर्व या मोड़ को बताती हैं जो कि किसी भी आकृति को जीवित प्रस्तुत करता है या स्पंदित प्रस्तुत करता है। नृत्य की बात में यह शिव की मूर्ति नृत्य करते हुए नटराज के रूप में विख्यात हुई। नटराज को नृत्य का देवता भी माना जाता है जिसमें वह समय सृष्टि और अपनी ऊर्जा के साथ संसार को संयमित व नियमित करते हुए संसार को गतिशील बनाए रख रहे हैं। तीसरा टॉपिक नाटक का है जिसमें नाट्य कला को अभिनय के साथ में जोड़ा जाता रहा। अभी तक संगीत कला और नृत्य कला में मानवीय शरीर ही वह टूल था जो कि भावों की अभिव्यक्ति दे रहा था। यहाँ पर नाटककार वह व्यक्ति होता है जो पात्रों को चुनता है या पात्रों के लिए नाटक को लिखता है और पात्र वह टूल होते हैं जो नाटककार की कल्पना को प्रस्तुति देते हैं। नाटक अपने आप में जीवन से जुड़ी घटनाओं का प्रस्तुतिकरण है जिसमें उन घटनाओं के सहारे भावाभिव्यंजना की जाती है और अभिनय क्षमता के द्वारा कलाकार अपने नाट्य कला को प्रस्तुत करता है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें नाटक कला संगीत व नृत्य के साथ में जुड़ी रही, साथ ही एक अभिनय का गुण सर्वव्याप्त रहा। प्रस्तुत चित्र में सभी रूपाकारों को उनकी चारित्रिक विशेषताओं के साथ में प्रस्तुत किया गया, अर्थात उनका साज सज्जा एक ऐसा गुण था जो कि उस चरित्र को बताने में सहायक था। अभिनेता स्वयं उस पात्र को अनुभव करता है और उसको प्रस्तुति देता है, किंतु यहाँ सिर्फ अनुभव के साथ ही नहीं बल्कि उसकी साज सज्जा और वेशभूषा के अनुसार भी आकार को अभिव्यक्ति मिलती है। नाटक कला में अभिनेता के साथ ही कुछ ऐसे मुखौटे कॉस्ट्यूम की बात की जाने लगी जिनको साथ में जोड़कर भावाभिव्यंजना का पक्ष अधिक सबल बनाया जाता है। नाट्य कला में संगीत, चित्र, मूर्ति, लाइट सिस्टम व अनेक ऐसे पक्ष जुड़ते चले गए जो नाटक कला को और अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायक थे। कलाओं में धर्म के साथ जुड़ने पर कुछ ऐसे पक्ष रह गए थे जो मानवीय अनुभूति को सबल रूप से नहीं प्रस्तुत कर पा रहे थे। जब कला धार्मिक विषय वस्तुओं से स्वतंत्र हुई तब मानवीय अनुभूतियों का कुछ ऐसा पक्ष उजागर हुआ जो रोमांटिक नाटकों या इंटेलेक्चुअल नाटकों के रूप में प्रस्तुत होने लगा। मानवीय संवेदनाओं के सूक्ष्मतम रूपों को साकार करते हुए ये अभिनेता उन सूक्ष्म अनुभूतियों को जगा रहे थे जो अमूर्त रूप से कला की चेतना और सामाजिक प्रतिबिंब को प्रदर्शित करते रहे हैं। समाज की व्यवस्थाओं पर
उठते प्रश्न चिन्हों को, समाज की समस्याओं के निराकरण के लिए नाटक कला को एक विशेष साधन के रूप में अपनाया जाने लगा और नाटक कला अपने स्वरूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कला के रूप में प्रस्तुत होने लगी। मानव मुख पर आने वाले भावों की अभिव्यक्ति के कारण यह कला मूलतः एक पात्र का प्रस्तुतिकरण हो गई, जबकि नाटककार उसको संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में अपनी शब्दार्थ व भावाभिव्यंजना को प्रस्तुत कर रहा था। नाटकों का नाम लेते ही कालिदास से जुड़े कुछ नाटकों का नाम आता है, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम का विवरण देना उचित होगा, जिसमें एक संपूर्ण चरित्र को किस तरह नाटक के रूप में प्रस्तुत कर अभिज्ञान शाकुंतलम सदैव के लिए अमर हो गई। जीवन से जुड़े इन चरित्रों को सुंदर रूप में लिखकर व अभिनीत करके इस नाटक कला को संपूर्ण जीवन की प्रस्तुति मानी जा सकती है। कलाओं में नाट्य कला को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कला के रूप में भरत मुनि ने स्थान दिया था। इस स्थान के साथ ही नाट्य कला को अभिनय, संगीत, नृत्य के साथ जोड़कर भाव संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम बना लिया गया।